हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, जो कि अगर बात करें दो महीने में 100% से ज्यादा की रिटर्न दे चुका है, मतलब डबल हो चुका है, आपके पैसे को डबल कर दिया है। उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, क्यों वो छग रहा है, क्या रीजन है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, उस वीडियो में आगे बढ़े, हम आपसे क्वेश्चन आना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। बात करें यहाँ पर, अभी एक वीडियो डाली है मैंने HDFC बैंक से रिलेटेड, NPA प्रोविजनिंग जो भी सब चीज इसमें मैंने आपको बताई है, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मिंडा इंडस्ट्री के कल रिजल्ट आए थे, वो मैंने डाले, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और रूट मोबाइल में न्यूज आई थी, क्या एक अपॉर्चुनिटी है या हमें बेच देना चाहिए, यहाँ पर इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एज वेल एज श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, आपको सभी लोगों को पता है ये लिंक, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप अपनी इच्छा जो भी चाहे आप दान दे सकते हो, और दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है, आपको पता ही है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे, कोविड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का ग्राफ है कोविड का, किस तरीके से पहले कम थे, उसके बाद लैक भी नहीं पहुंचे थे लास्ट ईयर, तो फिर उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई थी। कंटिन्यूसली अगर बात करें यहाँ पर फेब से एक न्यूज आई है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली हमारे केसेस कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखते हैं 2,34,000 शेयर यहाँ पर 16 अप्रैल के दिन, मतलब लास्ट पे आपको देखने को मिले 2,34,000 के लगभग शेयर यहाँ पर केसेस, और काफी लोगों की यहाँ पर डेथ भी होगी, जो की बड़ी सैड न्यूज है। बट अगर बात करें इस कोविड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो कुछ स्टॉक से जिन्हें अच्छा खासा फायदा होता है, और बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर उसके रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, वन डे में लगभग 1.42%, वन वीक में 3.38%, बट अगर 3 महीने की बात करते हैं तो 3 महीने में 96.57%, बट 2 महीने की बात करते हैं सबसे ज्यादा की रिटर्न दे चुका है। किस महीने में देख सकते हैं आप 1.45% के रिटर्न, एक साल में 250% के रिटर्न, दो साल में 286% के रिटर्न, और अगर बात करें 10 साल में 497% के रिटर्न, और 5 साल में 589% के रिटर्न। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है हर साल, तो यहाँ पर इस पर 50% होगा, वो भी ऊपर से नीचे इस तरीके से ही होगा। तो अगर यहाँ पर देखते हैं 10 साल में 500% के, बट अगर एक साल की बात करें तो 250% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है, तो कौन सी कंपनी है वो भी जान लेते हैं। बट अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न आपके सामने है, कंपनी के चार्ट पैटर्न, एक ही यहाँ पर से जो स्पाइक इसने ली है, 500 रुपीज का शेयर आज 2,000 रुपीज के आसपास चल रहा है। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न दिया है। अगर 5 साल पहले 250 रुपए का शेयर था, आज 2,000 के आसपास है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर में भी अच्छा खासा इसने गैप दिया है, और पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें यहाँ पर आप जैन से भी लेके चलते हैं, तो जैन से लगभग 110% के रिटर्न ये कंपनी आपको दे चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करें या इसके 52 वीक लो की, तो 18 मई को 485 का शेयर था, 52 वीक हाई की बात करें तो कल के दिन ही 1,950 रुपए का शेयर हुआ करता था। डिलीवरी बेस पर लगभग 47% 70,608 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं, और यहाँ पर बात करें प्रमोटर का 75%, पब्लिक के बाद 25%, और बात करें यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, स्पेशल डिविडेंड भी दिया है, क्योंकि कंपनी मेकिंग प्रॉफिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में आपको डिविडेंड, 18 में, 17 में, 2016 में डिविडेंड, एज वेल एज यहाँ पर देखें तो कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। तो किस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। ओके, 1891 पर ये शेयर चल रहा है। तो ये कंपनी करती क्या है, तो इसकी अगर वेबसाइट पे हम यहाँ पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये हेल्थ केयर गैस इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है, बट एक और काम करती है, ये करती है ऑक्सीजन से रिलेटेड काम। तो अगर हम देखें यहाँ पर रिलायंस ने भी देखी है, अभी कल की डेट में न्यूज आई थी, यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी जो रिफाइनरी है वहाँ से ऑक्सीजन भेजे गए हैं, तो क्या पूरे महाराष्ट्र में कोविड से लड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस BPCL टू सप्लाई ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल। अगर बात करें अंबानी सिंह ऑक्सीजन फ्रॉम हिज रिफाइनरी फॉर कोविड फाइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 टन्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड ही यहाँ पर बातें हो रही है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये लिंडा इंडस्ट्री यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेटेड ही काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 2 बार बॉन्ड भी दिया, 1982-85 में 1:3 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी है। राइट इशू की बात करें तो आपकी कंपनी काफी बार राइट इशू भी लेके आई है, डिविडेंड अच्छा देती है। एज वेल एज बात करें लिंडा इंडस्ट्री से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंडा इंडस्ट्री रेडी विद कोविड वेव,
स्पर्स ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर आ चुके हैं, 2 months ऑफ इंक्रीजिंग मतलब इन मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इनका स्टॉक डबल हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के केस हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन 100% रैली इन 60 days वाज़ द ड्राइविंग दिस एमएनसी स्टॉक हाई हो। क्या रीजन है? ऑक्सीजन से रिलेटेड केसेस बढ़ेंगी, ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बड़ा सीरियस है कोविड। आप लोग हल्के में ले रहे हैं बट ये हल्की बात लेने वाली बात नहीं है, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जिन लोगों को होता है वो उन लोगों से पूछे कि कोविड एग्जैक्टली होता क्या है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ उसके फाइनेंशियल की, यहाँ पर देख लीजिए मिड कैप कंपनी 16,115 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। आरओसी की बात करें 10.4% का, और अगर बात करें यहाँ पर प्लेजिंग की तो कोई भी प्लेज नहीं है और कंपनी डेट फ्री है और 10 साल के लगभग 20% के शेयर आर ओ रिटर्न, अगर बात करें रिटर्न 20 साल में 20% के रिटर्न 10 साल में कंटिन्यूस देता आ रहा है। 5 साल में लगभग 52% के CAGR से कंपनी पैसा बढ़ा रही है, अच्छा खासा इस बार चला है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात करें सेल्स की तो सेल्स यहाँ पर देखिए पहले घटते बढ़ते मैनर में आपको दिखाई देगी, बट इस बार की सेल अगर हम देखें कोविड के बाद तो सबसे ज्यादा अभी 475 करोड़ रुपीज यहाँ पर सेल है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम इस बार की है 130 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट 62 करोड़ के नेट प्रॉफिट से पहुंच गया है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2009 में सेल्स 804 करोड़ की थी, अभी जो 1471 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ पर होती हुई हमें नजर आ रही है। तो कंपनी कंसिस्टेंसी से अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती आ रही है तो नजर रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 53 का प्रॉफिट 176 करोड़ रुपये यहाँ पर पहुंच चुका है, और अगर यहाँ पर बात करते हैं इस 2019 में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, 527 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आया था। ओके, काफी अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ देखना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट या कुछ से बातें होंगी, इस वजह से यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एज वेल एज बात करें रिजर्व की तो रिजर्व तो लगभग 2,118 करोड़ के रिजर्व है। अगर बात करें बोरिंग की तो लगभग कंपनी डेट फ्री है, 7 करोड़ रुपए का बोरिंग है जो कि कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट की बात करें 326 करोड़ रुपए का कैश, और अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की 75% शेयर प्रमोटर्स के पास ही है, 1.62% FII के पास है, DISC के पास लगभग 11% है, पब्लिक के पास लगभग 12% की हिस्सेदारी हमें नजर आती है। इनमें से 12 में से भी मनीष जैन के पास लगभग 2% की यहाँ पर हिस्सेदारी है जो कि इन्होंने अभी मार्च के क्वार्टर में लिए, जैसे बिकॉज ऑफ शायद उन्हें लग रहा होगा कि और शेयर भाग सकता है जैसे बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन न्यूज और कोविड राइज, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ 4% और देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी ऑलरेडी टॉप पे चल रही है कंसिस्टेंसी से, देखिए यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंसी से भागी जा रही है। ओके, रुकी है ही नहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भागना, तो अभी भी टॉप पर बैठी हुई है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी 67 के आर ओ यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI के लगभग 67 के RSI पे कंपनी चल रही है, तो अभी जैसे ही बाय ऑन डिप्स मिलता है तो इसमें बाय इनकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं। बाकी अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, और जब तक मुझे लगता है कि जब तक केसेस इस तरीके से बढ़ते रहेंगे कोविड के तो इस कंपनी का शेयर भी हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 2 महीने के अंदर अंदर 900 से 2,000 पे पहुंची है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो कि आपके खुद का चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो हम आपके पास डेली बेसिस पे लाते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।